पूरे बिहार में अपनी मांगों को लेकर आशा कर्मियों का अनिश्चितकालीन हड़ताल जारी है। इसी क्रम में कटिहार के फलका में आशा कर्मियों ने स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे का पुतला दहन किया, साथ ही सरकार विरोधी नारे भी लगाए। आशा कर्मियों ने कहा कि अगर उनकी मांगे पूरी नहीं होंगी तो यह हड़ताल यूं ही जारी रहेगा। हम लोग गए पहले 8 दिवसीय फलका में DAPSC में, यहाँ कोई सुनवाई नहीं, तो हम लोग कटिहार गए, कटिहार में भी कोई सुनवाई नहीं। उसके बाद पटना गए, पटना गए नीतीश कुमार भी भाग गए और स्वास्थ्य मंत्री भी भाग गए, मंगल पांडे जिसका आज हम पुतला दहन किए भाग गए डर से। यहाँ जब PSC जम किए तो प्रभारी सर डर से भाग गए पीछे की गली से दौड़ा वाही। क्या नाम है आपका? मेरा नाम ममता देवी है। हम लोग को दो ही सूत्री चाहिए, दो ही सूत्री चाहिए, जो है कि सरकारी घोषित करे और 18,000 रुपए की प्रोत्साहन राशि भुगतान करे, प्रोत्साहन राशि नौकरी पर। हम लोग 1 दिसंबर हॉस्पिटल में रखा गया था, उसके बाद हम लोग जिला गए, जिला के बाद हम लोग पटना भी गए, कुछ सुनवाई नहीं हुआ, इसलिए हम लोग मंगल पांडे का पुतला दहन किए। मांग करना चाहते हम लोग सरकारी घोषित करें और 18,000 रुपये महीना।